my dear students, assalamu alaikum. today we are starting the fourth lecture on marketing management. or abitak hamne. allah ke se kuch to cover kiya hai wo aap hai. we have talked about in the last lecture we have talked about competitive, sustainable competitive advantage and core competency. कंपनी ऑफ द फर्म शुड टेक इट्स अप्रोच जिसको हम मार्केटिंग ओरिएटेड अप्रोच कहते हैं लेकिन इस अप्रोच को फर्दर थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है जो कि हम आज के लेक्चर में ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट करेंगे यह एक बहुत बुनियादी चीज है अगर फर्म या कंपनी सही मार्केटिंग अप्रोच ले ले तो कोई वजह नहीं उसके फेलियर की कोई वजह नहीं कि प्रोडक्ट कामयाब ना हो तो आज हम बेसिकली इसकी तरफ ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे आप अभी तक तो समझ गए हैं कि मार्केटिंग बेसिकली इज द डिमांड मैनेजमेंट नीड वांट डिमांड और आप ये भी समझ गए हैं कि मार्केटिंग एक कॉन्शियस एफर्ट है इट इज कॉन्शियस एफर्ट इस पर हमारी बड़ी तवज्जो और बड़ा ध्यान हर वक्त रहना चाहिए ताकि हम कंपेटिटिव एडवांटेज ले सके और जो चाहते हैं वो हम हासिल कर सके इसीलिए इस फिलॉसफी पर मैं आज इसको मुजीद

एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि मार्केटिंग पर है वो हम पूरी कर सकें लेट बी जस्ट पुड इट दिस वे के देर आर बेसिकली फाइव और देर हैव बिन फाइव बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप एज मार्केटिंग स्टूडेंट मस्ट नो इन डिटेल मस्ट नो एक्जैक्टली और ये बड़े इंपॉर्टेंट है गो के ये एज के साथ डेवलप होते गए लेकिन यह कॉन्सेप्ट छोड़े नहीं हमने या छुटे नहीं हमसे सबसे पहले तवज्जे मैं आपकी दिलाना चाहता हूं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट दिस इज द बेसिक यहां से दिस कॉन्सेप्ट बेसिकली होल्ड दैट द मैन्युफैक्चर शुड प्रोड्यूस थिंग्स इन लार्ज स्केल और चीजें जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही बिकेंगी उतनी ही तरक्की करेगी और फर्म उसी तरह बेनिफिट और प्रॉफिटेबल होगी अच्छा ये कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बिल्कुल जेन्युन कॉन्सेप्ट था और है लेकिन यह उन हालात में था जबकि इनफेक्ट मार्केट्स बढ़ रही थी द वर्ल्ड वॉज एक्सपैंडिंग न्यू रीजन वर फाउंड जहां पर पहले सिविलाइजेशन नहीं गई थी जिन इलाकों में उन इलाकों में हम जा रहे थे चीजों की डिमांड बहुत थी प्रोडक्शन पर जोर था चीजों को प्रोड्यूस करें दिस वॉज इन द लेट नाइनटीन सेंचुरी कह लीजिए इसको ईरा ऑफ मैस प्रोडक्शन भी कहते हैं हम थिंग्स व प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी देर मार्केटेड ऑल ओव दर्ल्ड मार्केट फॉर एक्सपेंडिंग नई नई जैसे मैंने कहा नए नए खत्ते दरिया हो रहे थे दुनिया के कई जगहों पर हम पहले नहीं जा, जा सके थे या जहां सिविलाइजेशन नहीं जा रही थी कोलोनियलिज्म का जमाना था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल बड़ा कम था बल्कि था ही नहीं चीज को प्रोड्यूस करो जो ज्यादा प्रोड्यूस कर लेगा वो ज्यादा बेच लेगा इसमें कोई इनोवेशन की जरूरत नहीं थी कोई नई चीज की जरूरत नहीं थी एंड दिस वॉज द एरिया ऑफ मैस प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वही प्रॉफिटेबल होगा बल्कि इसके अंदर यू कह लीजिए इस प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के दौरान में प्रोडक्शन पर इतना जोर दिया गया कई प्रोडक्शन करने में यानी कि फैक्ट्री चलाने के कई असूल भी तोड़े गए हमने बच्चों को हायर कर लिया खीन को हायर, हायर कर लिया किलिंग हो गई हेल्थ की तरफ ध्यान न दिया प्रोडक्शन पर जोर दिया हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमम होनी चाहिए वो खास किसी कीमत पर भी हो इस प्रोडक्शन ईरा से खुद ही

और प्रोडक्ट का एम्फोसिस जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स पर था मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि अगर आप आज भी सड़कों पे कभी देखें 1923 सौ बीस या उस जमाने की तीस की जमाने की गाड़िया तो गाड़ियों की एक अजीब किस्म की चीज नजर आएगी बहुत बड़ी बड़ी बड़े बंपर्स हैं उसके क्रोम का काम बहुत हुआ हुआ है उस जमाने में प्रोडक्ट जो था या जो प्रोडक्ट हमारे जो भी हम प्रोड्यूस करते थे उसके फीचर्स पर बड़ा जोर था और हम यह समझते थे कि कस्टमर जो होता है हमारा प्रोडक्ट का वो उन फीचर्स को एडमायर करता है ही एडमायर एंड अप्रेज द क्वालिटी ऑफ द फीचर्स लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती कह लीजिए या लूप होल कह लीजिए जो हुआ प्रोडक्ट ईरा में जो मैन्युफेक्चर के जो कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट की क्वालिटी का या प्रोडक्ट प्रोडक्ट के फीचर्स का वो कुछ ज्यादा ही हो गया मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर गेन टेक द केस ऑफ ए कार मेरी गाड़ी के बम्पर बहुत बड़े होने चाहिए बनाते बनाते बम्पर बहुत बड़े बना दिए यानी इन अदर वर्ड दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनुफेक्चर कि मैं अपने प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर्स या फीचर डालू जो मैं समझता हूं सही है कस्टमर उसको कितना एक्सेप्ट करता है कस्टमर उसको कितना लाइक करता है या एडमायर करता है या वो कितना उसके उसकी तयद करता है इसका इसकी हमको परवाह नहीं थी हाँ सोचते थे कि कस्टमर इसको इसकी परवाह करेगा इसको लाइक करेगा लेकिन अगर वो करे ना करे ये हम ने कभी सोचा नहीं था बल्कि एज ए मैटर फेट प्रोडक्ट ईरा इसी चीज की मार खा गया मैन्युफैक्चरर ने खुद के जो फीचर्स उसके, उसके जहन में आते थे ही अप्लाइड दो फीचर्स एंड ही इग्नोर द कस्टमर नीड गाड़ी तो मैंने बड़ी बना दी बम्पर भी बहुत बड़े बड़े बना दिए फेंडर्स भी बहुत बड़े बड़े बना दिए लेकिन क्या कस्टमर इनको कस्टमर को इनकी जरूरत है क्या कस्टमर जब पैसे पे करता है गाड़ी के तो क्या वो एक्स्ट्रा बम्पर या वो एक्स्ट्रा फेंडर्स जो मैंने लगाए हैं उसके अंदर क्या उसके पैसे देने को भी तैयार है यानी कह लीजिए चलिए एक, एक एक तरीके से कि गाड़ी की कीमत अगर दस हजार रुपया है या दस हजार डॉलर है तो जो उसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा चीजें लगाई है उसकी कीमत दो डॉलर है जो कि उसको देनी है पसंद है कि नहीं ये बात की बात है मगर चूंकि वो 2000 की पिंच कस्टमर लेता है तो ये प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ज्यादा देर चला नहीं ये फेल हो गया थोड़ी देर के बाद थोड़ा अर्सा को तीस चालीस साल मोहित रहा उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये भी खत्म हो गया इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आया और ये कॉन्सेप्ट जो है ये दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स होती रहती हैं जैसे होती रही वर्ल्ड वॉर वन थी वर्ल्ड वॉर टू थी वो भी आपको पता है कि उसके दरमियान में भी यूरोप अमेरिका, नई दरियाफ्त नई चीजें नए नए रिसोर्सेस नई जगहें हम ढूंढते रहे मिलती रही और उनको हम डेवलप करते रहे इसके बाद जो थर्ड कॉन्सेप्ट आया दैट वाज सेलिंग कॉन्सेप्ट माइडियर स्टूडेंट सेलिंग कॉन्सेप्ट जो था ये अपनी नौियत का अपना था इसमें यह था कि प्रोडक्ट को बनाए हम अपने फीचर्स और अपनी तर्ज से जो मैं बेहतर समझता हूं मैन्युफैक्चर और इसको हम बेचें, यानी सेलिंग करें अब वो एक अलग बात है कि वो सेलिंग कैसे करनी है सेलिंग के बहुत तरीके हैं आप पढ़े होंगे नहीं पढ़ेंगे तो सेल्स सेल्स मैनेजमेंट या सेलिंग के कोर्स में आप पढ़ेंगे यानी कि डोर टू डोर सेलिंग भी सेलिंग कंसिडर की जाती है ये जो बाहर आज भी हमारे घरों के बाहर अगर आइसक्रीम बेचने वाले की घंटी बचती है या उसका म्यूजिक बचता है तो यह भी एक सेलिंग का कॉन्सेप्ट है ये इतना पुराना है तकरीबन डेढ़ सौ साल पुराना है सौ साल पुराना है लेकिन देखिए आज भी है हाँ वो बात है कि आगे घंटी होती थी अब वहां पर म्यूजिक बचती है लेकिन वजह वही थी वो घंटी इसलिए बजाता था कि लोगों को पता चल जाए कि मैं आ चुका हूं बाहर खरीदने आ जाए आज हम वो म्यूजिक बजाते हैं ये बताने के लिए कि मैं आइसक्रीम वाला हूं या मैं कोई चीज खास बेचता हूं तो वो ये वहां से लेकर के सेलिंग कॉन्सेप्ट ऊपर तक जाता है कि अगर मैंने अपनी गाड़ी बनाई है या अपनी कोई मशीनरी या अपनी कोई बड़ी भारी चीज बनाई है तो वो भी हम सेल करते थे यानी कि हम सेलिंग एक्चुअली स्टार्टेड विद दी अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट्स हम आमतौर पर सीख नहीं करते ये तो अभी जानते हैं कि मार्केटिंग में वो प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि अनसॉर्ट जिनको हम कहते हैं मिसाल के तौर पर इंश्योरेंस पॉलिसी आपने कभी गौर किया है कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए इंश्योरेंस कर, कर, करवाने के लिए हमने कभी खुद इनिशिएटिव नहीं लिया कोई आता है तो हमको याद कराता है इसी तरह इनसाइक्लोपीडिया हर घर की जरूरत होती है पढ़े लिखे बच्चों बच्चों की जगह के लिए बहुत जरूरी है कि दे शुड है no. comes and sells us. कोई हमें बेचता है कोई हमें रिमाइंड कराता है इसकी जो नुमा चीज है सेलिंग की सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर वो ये है कि जो प्रोडक्ट का जो खास कोई फीचर होता है ना उस पर एम्फोसिस होता है यानी कि प्रोडक्ट फीचर को हाईलाइट किया जाता है प्रोडक्ट फीचर को बताया जाता है के बताया जाता है उसकी सेलिंग की जाती है लेकिन एक चीज जरा नोट फॉर्मा ये कि सेलिंग कॉन्सेप्ट में भी एक बहुत बड़ा नुक्स है प्रोडक्ट के फीचर वो मैं सेल करता हूं जो मैं बनाता हूं और प्रोडक्ट का फीचर हम वो सेल करते हैं जो मैं बेहतर समझता हूं अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं एक तो यह कि वो प्रोडक्ट का फीचर कस्टमर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा या नहीं करता दूसरा यह कि वो प्रोडक्ट का फीचर जो मैंने बताया सेलिंग करते हुए थोड़ी एग्जेजरेशन कर गया जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत अच्छी तरह बताया है कि एक्सपेक्टेशन लेवल होता है कस्टमर का अगर वो रेज हो जाए अगर उसको हम इतना ऊंचा ले जाएं कि वो प्रोडक्ट से बहुत एक्सपेक्टेशन रखना शुरू कर दें और वो चीज अगर चाहे ना हो तो वी कॉल इट बैड माउथ यानी के प्रोडक्ट के उस फीचर के बारे में बजाय अच्छाई के हम बुराई करते हैं बल्कि यूं कहते हैं देखा वो तो कहते थे जी एक डब्बे में सौ कपड़ा धुल जाएगा मेरे तो पचास नहीं धुले अब ये अगर हम ना बताया होता सौ धुलेंगे तो पचास भी बहुत है लेकिन चूंकि मैं ये कहता हूं सेलिंग के अंदर कि मेरे डब्बे के अंदर या मेरे डब्बे की क्वांटिटी से सौ कपड़े धुल जाएंगे अगर सौ के नब्बे भी धुले तो दस कम रह गए और मैं बोलूंगा जरूर एक्सपेक्टेशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट सेलिंग के अंदर एक सबसे बड़ा नुक्स ये है कि हम करके प्रोडक्ट के फीचर के बारे में ज्यादा बोल जाते हैं क्योंकि एंथ्यूजिस्ट होते हैं ना बेचने के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड जल्दी बिक जाए या बिके दैट इज अ रॉन्ग थिंग अब ये सेलिंग कॉन्सेप्ट भी इसी इसीलिए चंद चीजों के अंदर आज भी मौजूद है मैंने जैसे अर्ज किया इंसाइक्लोपीडिया आज, आज बेची जाती है हालांकि ये बड़ी जरूरी चीजें हैं जैसे मैंने बताया इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ वेरी बिग कवर फॉर फॉर द फैमिली और फॉर द इंडिविजुअल लेकिन इसको हम जाकर के बताते हैं ये ये मैं आगे अर्ज करूंगा आपको चलकर कि ये ऐसा ऐसी उन एरियाज में होती है जहां पर प्रोडक्ट को सीख नहीं किया जाता बल्कि बताया जाता है कि तुमको इंश्योरेंस चाहिए और इंश्योरेंस करवा लेने से ये फायदे हैं इसके नफा इसके नुकसाना इसके बेहतरियां इसकी बच्चों के लिए आप, आपके लिए फ्यूचर के लिए ये तमाम चीजें जो है ये बेहतर है इनको हम इंश्योरेंस को करवा लें इंसाइक्लोपीडिया हम आमतौर पर घर में रखते हैं तो सारा वक्त तो पढ़ते नहीं है जब बच्चे बड़े होते हैं किसी स्टैंडर्ड पे पहुंचते हैं तो वो जाकर इंसाइक्लोपीडिया को रेफर करते हैं लेकिन इंसाइक्लोपीडिया का घर में होना जरूरी है और कुछ नहीं तो कम से कम अगर घर में हो तो पढ़े लिखों का घर शुमार होता है इसकी ये भी वैल्यू है जो कि इनफैक्ट जो सेलिंग पॉइंट है एंसाइक्लोपीडिया बेचने वाले कहते हैं इस घर में इट्स ए डेकोरेशन पीस हालांकि इट्स ए बुक ऑफ नॉलेज और इट्स इट्स वॉल्यूम ऑफ नॉलेज बट इट इज कंसिडर्ड एज ए डेकोरेशन पीस अलमारी में पड़ी हो तो देखने वाला कहेगा हा पढ़े लिखोगा घर है वो अलह बात है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं वो बात की बात है लेकिन इन साइड प्रूफी आपके पास है दी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड द प्रोडक्ट वैल्यू और कस्टमर वैल्यू जिसको हमने कल भी आपको डिफाइन किया था कस्टमर वैल्यू

नो द डिमांड्स एंड फिल दम जहां पर डिमांड है जिस चीज की डिमांड है उसको भरे एम्फोसिस शुड बी ऑन द सर्विस एम्फोसिस शुड बी वॉट द प्रोडक्ट कैन डू नॉट वॉट द प्रोडक्ट इज जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उसका बेनिफिट टू द कस्टमर मस्ट भी एम्फोसाइज इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट

वा में कोई प्रोडक्ट है इसको आप उठा लें सिमिलैरिटीज देखिए कितनी है चलिए एक एग्जांपल आप कारों ही का ले लीजिए कितना फर्क है गाड़ियों में एक जमाना था जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर मेरे गाड़ी की सीटें एक किस्म की थी स्टेयरिंग उसकी डिजाइन उसका फेंडर उसका चलना उसके रंग उसकी तर्स उसका डिजाइन फीचर्स फर्क थे इतने फर्क थे कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी की तरह लगती ही नहीं थी आज हमको स्पेशली पढ़ना पड़ता है कि ये कौन सी गई है तकरीबन सारी गाड़ियां एक ही जैसी नजर आती हैं। तकरीबन थोड़ा बहुत फर्क है तो वो इतना मामूली फर्क है कि उस फर्क को हम नुमाया तौर पर पे पेश नहीं कर सकते इस गाड़ी में उस गाड़ी में क्या फर्क है थोड़ी बहुत शेप में अगर फर्क होगा तो वो भी मेरे ख्याल में चंद सालों के बाद वो भी खत्म हो जाएगा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है अगर ज्यादा बेहतर तरीके से समझना है तो मैं यूंग कहूंगा जैसे मैंने पहले बताया फाइंड वॉन्ट्स एंड फिल फिल्डन जहां भी हैं कस्टमर इज द बॉस यानी जो कस्टमर कहता है वो ठीक कहता है उसी तरह दें उसको उसी तरह दें अब यहां पर एक बड़ बहुत बड़ा एक एलिमेंट है माय डे स्टूडेंट्स जो आप लोग इस चीज को नोट करते चले जाएं और ये हम हमारी आइंदा लेक्चर्स में मैं इसको भी क्लियर करूंगा कि जब हम कहते हैं कस्टमर्स डिमांड तो इसके क्या माने ले, ले लेते हैं हम यानी कि हम क्या एक एक कस्टमर के पास जाकर उसकी डिमांड पूरी करते हैं नहीं ऐसा मुमकिन नहीं है

180 एक सौ अस्सी किलोमीटर का उसके अंदर स्पीड होनी चाहिए कहता है दो सौ बीस होनी चाहिए हम क्या एक सौ अस्सी एक सौ बीस एक सौ दो सौ बीस की गाड़ियों की स्पीड बना दे कैसा करेंगे कोई ना कुछ तो प्रोडक्ट हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ये इस वक्त तो मैं आपको ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता आगे जाकर हम इसमें जाएंगे कि वॉट वी डू इज बेसिकली वी टेक द जेनरिक डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट टू केटर टू टर मोस्ट ऑफ दम ताकि सबकी जरूरत अच्छा जब गाड़ी अस्सी फीसद लोग इस तरह की पसंद करते हैं मिसाल के तौर पर स्पीड को ले लीजिए अगर अस्सी फीसदो किलोमीटर का स्पीडोमीटर या उसकी स्पीड गाड़ी का इंजन की स्पीड एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर हम दो सौ किलोमीटर की गाड़ी बना देते हैं अब कहां गए वो कहासेंट जो या तो कम चाहते थे या ज्यादा चाहते थे दर हकीकत तो ऐसा होता है कि जब दो की आ जाती है तो वो जो 20 परसेंट है उनमें से भी तकरीबन 15, 16, 17 परसेंट जो कस्टमर्स हैं, वो ये इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं चूंकि 80 फीसद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं भी ये एक्सेप्ट कर लेता इस तरह हम मार्केटिंग अप्रोच करते हैं अब आप अगर इसको बखूबी समझें और इसको अगर आप गौर से देखें तो कितनी लॉजिकल अप्रोच है जिसको हम अंग्रेजी में यू भी कह सकते हैं हैव द प्रोडक्ट योर वे जो आप चाहते हैं वो हम बना देते हैं वो हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो इसमें मैं आपकी तवज्जे दिलाऊंगा सेलिंग कॉन्सेप्ट के बेसिक प्रोसेस से और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बेसिक प्रोसेस से हाँ एक चीज मैं शायद बतानी भूल ज्ञान दैट वाज सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट ये जरा एक मिनट इसमें भी हम बात कर लेते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ ये सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट क्या है सोसाइटिकल कॉन्सेप्ट एक्चुअली बिल्कुल रीसेंट ग्रोथ है रीसेंट से मतलब ये पिछले आठ दस साल की ग्रोथ है और वो ये है और वो एम्फोसिस है एनवायरमेंट पर प्रोडक्ट भी बना लेते हैं थैंक यू बट जैसे आप पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं देखा भी है यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट यानी कि चीज भी बना ले प्रोडक्ट भी दे दे डिमांड भी पूरी कर दे लेकिन उसके साथ साथ वो प्रोडक्ट जो है इट शुड हैव सोसाइटिकल एक्सेप्टेंस एंड द सोसाइटिकल एक्सेप्टेंस का मतलब है इट शुड बी एनवायरमेंटल फ्रेंडली वो चीज ना बना दू जो कि एनवायरनमेंट को, को खराब कर दे या सोसाइटी को खराब कर दे ये आप देख रहे हैं आजकल दुनिया में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं खास तौर पे मैं समझता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं रेफरेंस एग्जाम्पल दे सकता हूं वीडियो फिल्मिंग जो कि सोसाइटी को कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल उनके साथ बच्चों का जहन या फॉर दैट मैटर नौजवानों का जहन जो खराब हो रहे हैं लेकिन चूंकि मेरा प्रोडक्ट बिखरा है मैं इसकी मुझे इसकी परवाह नहीं कि किसका दम, किसका दिमाग खराब होता है या उनके ऊपर क्या उसका इंफ्लुएंस होता है इट मे बी है प्रोडक्ट इज सेलिंग एंड आई एम मेकिंग मनी आई डों केयर विच इज रॉन्ग विच इज एपुटली रॉन्ग तो मार्केटिंग जब हम बात कर रहे हैं तो एक इस पहलू को जरूर अपने अपनी नजर में रखिएगा कि द प्रोडक्ट शुड बी सोसाइटिकली एक्सेप्टेबल सोशली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पर, हम पर पर आती है मार्केटिंग वालों पर ऐसी कोई चीज नहीं बना सकते जिसके जिसके साथ प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो बना लिया प्रॉफिट भी बना लिया कंपनी भी चला दी फर्म भी चला दी हम बड़ी तरक्की भी कर गए लेकिन वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो मैं आपको अर्ज कर रहा था लेट अस टॉक अबाउट द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की इधर ये मैं एक एक आपकी तवज्जे इसकी तरफ दिलवाना चाहता हूं कि मार्केटिंग प्रोसेस मार्केटिंग ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे किया जाता है कल भी इस पर बात हुई थी लेकिन ज्यादातर हमारा जोर जो है वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के तीन चार स्टेप्स के ऊपर है बहुत जरूरी सबसे पहली बात है टारगेट मार्केट हमें सबसे पहला स्टेप ले लेते हैं हम टारगेट मार्केट क्या है इस प्रोडक्ट की टारगेट मार्केट क्या है दूध बेचते हैं तो कौन खरीदता है टारगेट मार्केट क्या है इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को हम सेग्रीगेट कर लेते हैं अलहदा कर लेते हैं अच्छा अब दूध तो एक बड़ा बड़ी आम चीज है हर हर कोई पीता है हर कोई इस्तेमाल करता है हर एक को चाहिए लेकिन कौन सा दूध है हमारा पैक दूध बेच रहा हूं मैं खुला बेच रहा हूं पाउडर का बेच रहा हूं अच्छा अगर पाउडर का दूध है तो क्या ये छोटे नामूद बच्चों पर की कंजम्पशन के लिए ठीक है तो टारगेट मार्केट में छोटे बच्चे भी आ गए इन्फेंट्स भी आ गए अगर नहीं है तो छोटे बच्चे या इन्फेंट्स उस मार्केट में नहीं है यानी कि वो मेरी टारगेट मार्केट नहीं है उस पर हम ज्यादा जोर नहीं देंगे लेकिन हर प्रोडक्ट की फीचर्स के हिसाब से कोई ना कोई टारगेट मार्केट में कोई ना कोई सेगमेंट भारी होता है उस पर उसकी निशानदेही करनी बड़ी जरूरी है सबसे पहला स्टेप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का ये है नंबर टू कंज्यूमर नीड देखिए ये कितना लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप अगर इसकी तरफ थोड़ा सा थो 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 गौर करेंगे तो ये बड़ी एक लॉजिकल अप्रोच है कंज्यूमर नीड्स मैं इस पर अभी इसी लेक्चर में थोड़ी देर बाद नीड के ऊपर ज्यादा जोर देकर के बताऊंगा कि नीड किसको कहते हैं नीड्स भी तो बड़ी एक अजीब चीज है और यह किस तरह पैदा होती है तो सेकेंड थिंग कंज्यूमर नीड्स टू फाइंड आउट वॉट एक्जैक्टली ड्यूमर नीड जैसे मैंने बताया कि इसको आप थोड़ी देर के बाद मैं आपको explain करता हूं फर्दर कंज्यूमर नीड्स के ऊपर लेकिन बार यहां ये कह देना काफी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के समझाने के तौर पर आप कंज्यूमर नीड को हमें बाकायदा समझना है देखना है समझना है उसको एनालाइज करना है

बता चुका हूं और आप इस बात को बखूबी समझ चुके हैं अब तक माशाल्लाह कि कस्टमर की नीड जितनी मीट होगी उतनी सेटिस्फेक्शन होगी अगर यू कह लीजिए कि मार्केटिंग अप्रोच में सिर्फ यही है कि कस्टमर की नीड पूरी नहीं हो रही तो किसी सूरत भी आपका प्रोडक्ट कामयाब नहीं होगा हो ही नहीं सकता हाँ उसके अंदर कुछ भी आप कर लें हा कितने भी अच्छे फीचर्स हों उसके अंदर ये चीज हो ही नहीं सकती In other words, we are forming a bridge between the customer need and the customer satisfaction, and that depends on the ratio, or it depends on to the degree customer need is met, customer demand is met. Need, need, want and demand. That automatically process, demand So customer ki jo need, isliye need emphasis नीड ही जेनरेट कर रही है डिमांड तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी एम्फोसाइज ऑन कस्टमर नीड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जैसे मैंने आपको बताया सेटिस डिवेलप्ड एंड द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है नेक्स्ट स्टेप जो कि हम मैं इस लेक्चर के थोड़ी देर बाद में आपको फिर इस पर भी बताऊंगा कि वी हैव टू इंटेग्रेट यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लीजिए एक बहुत अच्छी चीज जो आप इस कोर्स के हवाले से समझेंगे एंड दैट इज इंटीग्रेशन मार्केटर मार्केटर की जॉब प्रोडक्ट बेचना और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके सेटिस्फाई करके कस्टमर सेटिस्फेक्शन हासिल करना है लेकिन इस सारे अमल में अगर आप इसको जरा गौर से सोचे तो प्रोडक्ट तो मार्केटिंग मैनेजर नहीं बनाता वो तो बताता है वो तो मार्केट रिसर्च से ले आता है कि कस्टमर की देर आर देर इज देर आर अदर डिपार्टमेंट्स विच आर साइमिलटेनियसली वर्किंग इन ए फर्म टू क्रिएट प्रोडक्ट कभी तो वो पेपर पे होता है डिजाइन सेल में पड़ा होता है उसके बाद वो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग पे चला जाता है उसके बाद कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद उसके ऊपर फिर रदो बदल की जाती है और उसको फाइनल शेप दी जाती है फिर उसकी अप्रूवल होती है फिर ये प्रोडक्शन में जाता है फिर प्रोडक्शन केपेबिलिटी जो है वो बताते हैं खुद एक चीज है प्रोडक्ट तो बना प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया हमने लेकिन आर वी केपेबल टू प्रोड्यूस आपको पता है कि कई प्रोडक्ट हैं जो कि हम सोचते हैं लेकिन शायद बना नहीं सकते हाँ टेक्नोलॉजिकली अगर कैपेबिलिटी हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और यह आप भी बेहतर समझते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सपोर्ट कर रही है कि टेक्निकली वी आर इंप्रूविंग आर सेल्फ टू एन एक्सटेंड दैट वी कैन मैन्युफैक्चर ऑलमोस्ट एनी प्रोडक्ट नाउ तो प्रोडक्ट बनाना तो ये क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट बनाना जिसको प्रोडक्शन कहते हैं उसके अंदर बड़े बड़े अवामल शामिल है रॉ मटीरियल इंग्रीडियंट थिंग्स सेफ्टी मेजर्स एंड लास्ट पर नॉट द लीस्ट आप खुद मैं भी आपको दो मिनट पहले बता चुका हूं कि सोसाइटिकल एक्सेप्टेंस प्रोडक्ट तो बना दिया एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते प्रोडक्ट बना दिया महंगा बहुत है पॉकेट से बाहर है खरीद की कुत खरीद से परचेजिंग पावर से बाहर है अब उस प्रोडक्ट का क्या फायदा जो परचेजिंग पावर से बाहर है उस प्रोडक्ट का क्या फायदा जो के आलूदगी पैदा करता है तो वी हैव टू देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट दस वो साथ चल रही है डोंट फॉरगेट आगे हम नजरअंदाज कर सकते थे या कर जाते थे आजकल हम वो भी नहीं कर सकते इस पर कानून भी बहुत आ रहे हैं अब तो इंटरनेशनल लॉस बहुत बन रहे हैं प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में ये आप सुनते हैं जो ये ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट जो यू कह लीजिए जो अखबारों में या रसालों की एक बड़ी जीनत बना हुआ है ग्लोबल वार्मिंग कैसे है क्या है ये हम निगलेक्ट कर रहे थे और करते आ रहे थे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते 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 ये भूल चुके कि हम इस दुनिया की एनवायरमेंट में रहते हैं और हमें इसका ये रिजल्ट हो सकता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चला जाएगा और उसके नुकसान जो अब हमें नजर आ रहे हैं वो आपके सामने बीमारियां बारिशें कम मौसम में गड़बड़ एग्रीकल्चर पर इफेक्ट हो रहा है और अभी तो बड़ा कम मैं तो यूं कहूंगा अभी तो बहुत जल्दी हमें दुनिया भर में तमाम मामले को होश आ गई कि डिवेलपमेंट डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन

आप समझ रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है इसके साथ ये मार्केट इसको जैसे मैंने आगे जाके आगे और थोड़ी सी, थोड़ी सी तफसील बताऊंगा दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इज मार्केटिंग इंटीग्रेशन ये तमाम इंटेग्रेटेड एफर्ट्स हैं ये कोई आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं है प्रोडक्शन अलहैदा है मार्केटिंग अलहैदा है हाँ वो, वो वैसे देखेंगे तो डिपार्टमेंट अलहदा नजर आएंगे वैसे देखेंगे तो मार्केटिंग मैनेजर्स मार्केटिंग मैनेजर है प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर बट नो की इंटेग्रेशन और मैं यहां पर एक बात जरा कह ही देता हूं आपको देर विल ऑलवेज बी ए रिफ्ट बिटवीन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रिफ्ट बट नॉट इन द नेगेटिव सेंस रिफ्ट मीन्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड दिस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज हेल्थी प्रोडक्शन वाले अपने अपने ओपिनियन देते हैं मार्केटिंग वाले अपने ओपिनियन देते हैं अब जैसे कि मैं अगर इसको आसान जुबान में पेश करूं तो यूं कहूंगा मार्केटिंग की तो मार्केटिंग की एक्सपेक्टेशन बड़ी ऊंची होती है प्रोडक्शन वाले कहते हैं जी जो आप कहते हैं हम वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते या नहीं हो सकता या इन द एंड ऑफ द डे कहते हैं जी नहीं ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है तो बात खत्म हो जाती है कवानीन के तहत भी चलना पड़ता है तो माय डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड ये जो मैं कल से कह रहा हूं पीछे भी क्या है ओरिएंटेशन एक फिलोसॉफिकल अप्रोच ये मैं इस पर इसलिए भी एम्फोसाइज कर रहा हूं लेडीज एंड जेंटलमैन कि जब हम अपनी अप्रोच ठीक कर लेते हैं तो यू कह लीजिए आधी बैटल जीत जाते हैं एज मार्केटिंग एक्सपीरियंस मैन अगर आप मुझे मुझसे पूछें तो सिक्सटी परसेंट नहीं तो शायद फिफ्टी परसेंट फॉल्ट जो कंपनियों में नमूदार होती है दैट इज बेसिकली दैट बेसिकली स्टेम्स फ्रॉम रॉन्ग अप्रोच यू कह लीजिए ये जहाज का रडार है अगर उसकी सिमथ सीधी सी कर ली जाए तो जहाज डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तूफान आ सकता है धक्के लग सकते हैं लेकिन जहाज पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी सिमथ डेस्टिनेशन की तरफ है इसी तरह फर्म और कंपनी और मैन्युफेक्चर जो है अगर उनकी सिमथ मार्केटिंग ओरिएंटेड सेट कर दी जाए तो सफर आराम से बखूबी और शॉर्टकट हो जाता है मंजिल मकसूद तक पहुंचना इसलिए इस पर मैं इतना एम्फोसाइज कर रहा हूं और आपको यह बात समझा रहा हूं कि यू एस मार्केटिंग मैनेजर्स ऑफ टुमारो यू हैव तो फर्स्ट सेट योर रेडर राइट ये इसकी सिमत सही है कंपनी की सिमत सही है अब मैं आपको थोड़ा सा जरा थोड़ी सी तवज्जो चंद और दो तीन चार कॉन्सेप्ट दिलाता हूं करना इसका भी, इसको भी समझना वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटमेन टार्गेट मार्केट हमको सही पता हो और उसकी हम सिलेक्शन सही कर ले और अपने बाकी मादा जितने मार्केटिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी है वो सारी की सारी हम उसकी तरफ से कर मैं मिसाल लेता हूं देखिए हम गरम कपड़े बनाते हैं अब सबसे पहले जब गरम कपड़े मैन्युफैक्चर करने की हमने फैक्ट्री लगाई तो हमारी टारगेट मार्केट गर्म इलाके नहीं है वो इलाके हैं जहां सर्दी होती है या जहां लंबी सर्दी होती है पहाड़ी इलाके हो गए एक तो ये ये तो होगी टेरिटोरियल टारगेट मार्केट तो लिहाजा मेरा ध्यान हमेशा ठंडे इलाकों की तरफ होगा ना कि गर्म इलाकों की तरफ एक तो टेरिटोरियली हमने उसकी तरफ सेट कर लिया अपनी सिमट नंबर टू डेमोग्राफिक टारगेट मार्केट भी होती है जिसको हम डेमोग्राफिक कह, मार्केट कहते हैं टारगेट मार्केट कहते हैं मिसाल के तौर तो पर यह बच्चों का प्रोडक्ट है खावतीन का प्रोडक्ट है मर्दों का प्रोडक्ट है या फैमिली का प्रोडक्ट है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो के बिलखसूस किसी ना किसी एज के कैद में होते हैं या किसी जेंडर की कैद में होते हैं के तौर पर अगर जैसे मैंने आपको अर्ज किया दूध दूध क्या ये बच्चे भी पी सकते हैं हो सकता है कि नहीं पी सकते हो सकता है कि पी सकते हो सकता है कि ये दूध बच्चों के लिए माफिक है तो कुछ तो फैमिली प्रोडक्ट्स हैं कुछ जनरल प्रोडक्ट्स हैं कुछ आगे आ जाइए थर्ड टारगेट मार्केट इनकम मेरा प्रोडक्ट कितना महंगा है हर प्रोडक्ट की आपको पता है कि रेंज होती है रेंज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं अगर घी है तो अगर वो एक घी मैं बनाता हूं जो 200 रुपए का डब्बा है तो एक घी और भी को बनाता है जो 50 रुपए का डब्बा है तो देखना ये है कि कौन सी इनकम लेवल को वो टारगेट कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल काम है मैं आपको ये बता दूं दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क विच द मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू फेस और अक्सर मार्केटिंग मैनेजर्स इसमें गलती कर जाते हैं दे डू नॉट नो वॉट इज द टारगेट मार्केट अब जैसे मैं एक, एक, एक मिसाल देता हूं आई वॉन्ट एन इनएक्सपेंसिव कार वॉट एम आई से क्या कह रहा हूं मैं मुझे सस्ती गाड़ी चाहिए या मुझे लो प्राइस की गाड़ी चाहिए या मुझे छोटी गाड़ी चाहिए ये मैं क्या कह रहा हूं यानी कि मैं आगे जाकर इसको और एम्फोसाइज करके बताता हूं आपको लेकिन आप यहां ये समझे कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटिंग मैनेजर्स टू एसरटेन द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स इज ई आस्किंग फॉर इन एक्सपेंसिव कार चीप कार लो प्राइस कार या व्हाट इज ई आस्किंग फॉर एंड वट हाउ डू वी मीट देम जिसको कहते हैं जिसको मैं अपनी मार्केटिंग की जुबान में आपको समझाता हूं जिसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स इन मार्केटिंग टर्म्स वेरी डिफिकल्ट और अगर मैं आपको यह कहूं और सही कह रहा हूं कि सेवनटी परसेंट फॉल्ट किसी भी फेलियर के ये होता है कि वी आर अनएबल टू एसरटेन द मार्केट अनएबल टू एसरटेन

टेंशन जरा ड्रॉ करना चाहता हूं नीड की क्लासिफिकेशन की तरफ सबसे पहले इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है रियल नीड जैसे कि हमें कार का एग्जाम्पल ले रहे हैं चलिए उसी को लेकर आगे चलते हैं रियल नीड क्या होती है रियल नीड इज वॉट द कस्टमर एक्चुअली डिमांड्स फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स ए कार च इज रियल ही रियली वॉन्ट्स ए कार एक कंप्यूटर एक चीज चाहिए उसको दफ्तर से घर घर से दफ्तर जाने के लिए उसको एक गाड़ी चाहिए नंबर टू लेडीज एंड जेंटलमैन इसके अंदर होती है स्टेटेड नीड जो वो इजहार करता है अपनी रियल नीड का इजहार आई वॉन्ट एन इनएक्सपेंसिव कार अब ये एक देखिए उसने क्या कहा आई वॉन्ट एन इन कार अब इन को हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं मार्केटिंग मैनेजर्स मैनेजर इन मतलब क्या चीप गाड़ी लो प्राइस का? आम कार आमसी कार देखिए अगर हम इसको अगर इसकी डेप्थ में जाएं तो जैसे मैंने अर्ज किया कि यह एक स्टेटेड नीड है

नंबर चार डिलाइटेड नीड डिलाइटेड नीड क्या होती है कि मुझे गाड़ी भी चाहिए इनएक्सपेंसिव भी हो स्ट्रॉन्ग भी हो वो कहता नहीं है लेकिन कह, कहता नहीं है लेकिन हमको पता है कि कह रहा है डिलाइटेड नीड इज कि वो साथ साथ ये भी कहता है कि नहीं गाड़ी के अंदर गाड़ी के साथ मुझे या गाड़ी के खरीदते वक्त मुझे एक रोड मैप दे दिया जाए पाकिस्तान का अब ये एक डिलइटेड नीड है जो रोड मैप लेकर वो बड़ा खुश होगा वो चीजें वो चीजें जो हम हमेशा प्रोडक्ट के साथ देते हैं जिसके साथ कस्टमर खुश हो जाता है मिसाल के तौर पर गाड़ी तो हम उसको दे देते हैं चार लाख की लेकिन साथ एक कीचेन दे देते हैं जिसकी कीमत गचास सौ रुपए है बड़ा खुश होता है कि देखा मैंने गाड़ी खरीदी तो मुझे साथ की भी मिला ये नहीं देखता कि चार लाख की गाड़ी खरीदी दो सौ का की मिला तो सौ रुपए का कीचेन मेक्स इम रिलाइटेड ये अक्सर आप देखें हैं जो कंज्यूमर मार्केट के अंदर भी यानी कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जहां पर जाएं तो वो बच्चों को बाद में लॉलीपॉप दे देते हैं अगर आप अपना बिल देखें तो खाने का बिल होगा पांच हजार रुपया फैमिली के साथ आप खाना खाने कहते एक शाम को दो तीन चार पांच उड़ाए आप लेकिन चलते हुए एक आपके बच्चे को लॉलीपॉप दे दी जिसकी कीमत पांच रुपए भी नहीं है यू आर डिलाइटेड मां भी खुश हो जाती है देखा मेरे बच्चे को कितनी अच्छा उसमें एक एलिमेंट जो होता है मैं जो एम्फरसाइज करना चाहता हूं जो मार्केटिंग का ही एलिमेंट है उसमें यह होता है कि लॉलीपॉप इज नॉट इंपॉर्टेंट उसकी कीमत इज नॉट इंपॉर्टेंट दिस मीन्स दैट दैट रेस्टोरेंट हैज इनफैक्ट एक्नोलेज योर फैमिली और आपके बच्चों को प्यार आपके बच्चों से उन्होंने प्यार का इजहार किया है दिस इज कॉल्ड डी नीड एंड लेडीज एंड जेंटलमैन देर इज अनदर नीड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज ये सीक्रेट नीड अब आप कहेंगे ये सीक्रेट नीड क्या होती है सीक्रेट नीड लेडीज एंड जेंटलमैन वो होती है जो बेसिकली अंदर होती है हमारे जिसका इजहार भी नहीं करते हम लेकिन वो हमारी बहुत ज्यादा नीड होती है फॉर एग्जाम्पल अगेन टेक द केस ऑफ अ कार मुझे गाड़ी चाहिए एक मुझे इनएक्सपेंसिव गाड़ी चाहिए नंबर दो अनस्टेटेड नीड क्या आई अ कार ये मैंने कहा नहीं बट आई I इट mean डिलाइटेड नीड ये है कि गाड़ी भी मिले मुझे साथ की चेन भी मिल जाए सीक्रेट नीड होती है जिसको जो ज्यादातर आजकल बड़ा जिस पर काफी काम किया जा रहा है सीक्रेट नीड के ऊपर ये होती है वो नीड जो कि दर हकीकत कस्टमर के अंदर होती है जैसे फॉर एग्जांपल इमेज इज्जत मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना इसलिए खाने आता हूं ए बहुत लजीज खाना है गुड बहुत अच्छा खाना है थैंक यू कीमत भी मुनासिब है ठीक है लेकिन मैं कह नहीं रहा लेकिन मैं ये चाहता भी हूं कि जब मैं आपके रेस्टोरेंट में आके खाना खा के जाऊं तो मेरा इमेज कम्युनिटी में बढ़ जाए ओ जी ये वहां पर खाना खाता है या खा सकता है ये नहीं कि यूं कह लीजिए लोग मुझे समझेंगे मैं अमीर आदमी हूं क्योंकि मैं आपके रेस्टोरेंट में खाना खाता हूं दिस इज कॉल्ड इमेज रेपुटेशन वॉट पीपल थिंक अबाउट यू ये चीज बड़ी जरूरी है आजकल प्रोडक्ट्स के अंदर ये बहुत एम्फोसिस है और यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स मैं आपको इस बात पर

मैं एक अच्छे से रेस्टोरेंट में एक अच्छे से होटल में जाकर पांच सौ रुपए का खाना क्यों खा रहा हूं यू नोवा चार सौ पचास का मैं खाना खाता हूं सॉरी पचास रुपए का मैं खाना खाता हूं चार सौ पचास रुपये में इमेज के पे कर रहा हूं अगर वही खाना मैं किसी और जगह के जाके खाऊं तो शायद मुझे पचास सौ रुपया कॉस्ट करेगा लेकिन वो मैं इमेज के लिए खा रहा, तो 400 रहा हूं तो चार सौ रुपया मैं इमेज पर खर्च रहा हूं सौ रुपया खाने पर खर्च रहा हूं These, my dear students, are the series of the series of need. Marketing job, my dear students, is to respond to these needs. Marketing managers provide solution, and it has to be responsive to this particular thing. जैसे मैंने कहा लेट मी ऑल्सो कंक्लूड इन दिस वे के ये तमाम एफर्ट्स जो है ये इनको हम इंटीग्रेट करते हैं दिस इज डन एट टू लेवल्स याद रखिएगा दो लेवल एंड यू एज मार्केटिंग मैनेजर्स हैव टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दिस इन दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन प्रोसेस ऑफकोर्स यूर मार्केटिंग फंक्शन सेल्स एडवर्टाइजिंग कस्टमर सर्विसेस वगैरह वगैरह ये एक लेवल है इसको आप इंटीग्रेट करें एवरीथिंग शुड बी एडवर्टाइजिंग शुड बी इंटीग्रेटेड टू योर मार्केटिंग सेल्स फंक्शन नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पर आप जितना काम करें उतना ही हमें इंपॉर्टेंट और उतना ही फायदा होगा वी हैव टू इंटीग्रेट द सर्विसेज ऑफ मार्केटिंग विद प्रोडक्शन डिजाइनिंग क्वालिटी कंट्रोल क्योंकि ये सारी चीजें अगर आप मिलाएं दोनों को इन दोनों को मिलाएं तो ही प्रोडक्ट बाहर आ रहा है एडवर्टाइजिंग तो मैंने बड़ी अच्छी कर दी बनाने वाले ने प्रोडक्शन मैनेजमेंट ने प्रोडक्ट का बेड़ागर कर दिया तो लेडीज एंड जेंटलमैन आज के लेक्चर के अंदर लेट मी कंक्लूड और ये ये मार्केटिंग और का दूसरा लेक्चर भी मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही तौर पे समझ आ जाए दिस इज द बेसिक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया अगर हमारी सिम सीधी हो जाएगी तो इनशाला हम प्रोडक्ट को लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी और उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं लेकिन अगर नहीं तो यह है आगे चलकर के हम और डेप्थ पे जाते जा, जाते जाएंगे और डेप्थ पे पहुंचेंगे एंड वी विल ट्राई टू लर्न मोर नो मोर एंड टू गेट मोर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज